नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं जसनाथ क्लासेस। तो आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जसनाथ क्लासेस में स्वागत है। आज हम बात करते हैं पटवारी भर्ती परीक्षा 2019 के बारे में। दोस्तों, जो पटवारी भर्ती परीक्षा 2019 है वो कई प्रोसेस में गुजरी थी। सर्वप्रथम जो पटवारी के लिए जो विज्ञप्ति आई थी वो 2000 पदों के लिए आई थी। उसके बाद उसी भर्ती को 2600 पद किए गए, उसके बाद 3800 पद किए गए, उसके बाद वापस 3790 पद किए गए, अब वापस 3835 पद किए गए हैं। अर्थात कई प्रक्रमाओं से यह भर्ती परीक्षा है जो गुजरी है। अब लगभग जो 2015 में भर्ती हुई थी उसके बाद 4 साल हो गए, कोई भी भर्ती परीक्षा पटवारी की नहीं हुई है। तो अब लगभग पटवारी भर्ती परीक्षा 2019 है उसका रास्ता लगभग साफ हो गया है, जो कि 3835 पदों के लिए करवानी है। तो जो भर्ती है कुल वो 3835 पदों के लिए करवानी है। अभी अभी विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। कई प्रक्रमों के कारण ये भर्ती परीक्षा है जो अटकी पड़ी थी, उसमें कुछ रीजन है वो आपको रीजन में बताता हूँ। पहला रीजन तो है, जब 2015 में जो पटवारी का एग्जाम हुआ था वो 2 परीक्षा करवाई थी, तो इस कारण लंबा प्रोसेस हुआ था। 2 परीक्षा कराने के कारण जो भर्ती परीक्षा है वो RS लेवल तक की हो गई, अर्थात इतना कॉम्पिटिशन टफ हो गया और स्टूडेंट को भी प्रॉब्लम आई थी 2 एग्जाम होने में। एक तो गरीब तबके के स्टूडेंट होने के कारण उनके फीस में, और सेकंड टाइम भी थोड़ा ज्यादा खर्च हुआ, और उसके बाद उस लंबा प्रोसेस निकला, रिजल्ट भी लेट आया। तो इस कारण जो एक तो मेन कारण था कि 2 एग्जाम करवाए थे, सेकंड कारण था कि जब ये पटवारी भर्ती परीक्षा हुई थी इसमें जो कंप्यूटर का जो डिप्लोमा था वो RSCIT की लागू की थी। RSCIT जो कंप्यूटर कोर्स है वो कंप्यूटर का सबसे न्यूनतम कोर्स माना जाता है, कंप्यूटर की न्यूनतम डिग्री या न्यूनतम डिप्लोमा माना जाता है। इसी कारण जो RSCIT था वो पटवारी भर्ती परीक्षा जो 2015 में हुई थी उसके लिए फिक्स किया था। इसके कारण इससे उस जो डिग्री थी, जैसे कि BTech MTech की हुई कंप्यूटरधारी जो स्टूडेंट थे उनको इस भर्ती परीक्षा से बाहर निकाल दिया गया था, कारण उनके RSCIT जो डिग्री थी वो पूरी नहीं थी। इसी कारण जो लगभग हाईकोर्ट में इस भर्ती से संबंधित 300 से ज्यादा रिट लगी थी, इस कारण भर्ती परीक्षा को कई बार रोका गया था। 300 से ज्यादा रिट लगी थी, इस कारण लंबा प्रोसेस हुआ। उस लंबे प्रोसेस के कारण इस भर्ती परीक्षा को होने में देरी लगी कि इस बार ऐसा किया जाए कि इस भर्ती परीक्षा में कम टाइम लगे और बिना कोई प्रॉब्लम इसका जल्दी से जल्दी रिजल्ट जारी किया जा सके। सेकेंड प्रॉब्लम तो ये थी, और थर्ड प्रॉब्लम थी कि पिछले व जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उसके लिए जो आरक्षण था वो 10% आरक्षण लागू किया गया, और उसमें आरक्षण के आधार पर रिक्तियों को विभाजित किया गया, और वो आरक्षण के आधार पर रिक्तियां तो विभाजित हो गई, उनका लंबा प्रोसेस चला। अर्थात आरक्षण वाइज जो रिक्तियां हैं उनको विभाजित किया गया, उसके बाद ये भर्ती परीक्षा जो 2015 है पटवारी की, उसके बाद जो 2019 में आई है उसका रास्ता साफ हो गया। अब जो पटवारी की भर्ती हो रही है 3835 पदों के लिए, 3835 पदों के लिए यह पटवारी की भर्ती परीक्षा हो रही है। ये इसी भर्ती परीक्षा के इसी माह अर्थात दिसंबर महीने में ही फॉर्म लगभग शुरू होने की पूरी संभावना है, और इसका नवीनतम सिलेबस भी आ गया है जिसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं। जो कंप्यूटर का डिप्लोमा है वो कंप्यूटर का डिप्लोमा और डिग्री जो पहले थी वही है, और अब कई कंप्यूटर में भी नियम शामिल किए गए हैं, अर्थात उससे उस डिग्री वालों को भी शामिल किया जा सकता है। अभी एकदम पूरी तरह से तो प्राप्त नहीं हुआ है सिलेबस, लेकिन लगभग जो सिलेबस आया है उसमें लगभग उसको निश्चित माना जा रहा है कि इस बार जो पटवारी भर्ती परीक्षा है उसमें केवल एक एग्जाम होगा, एक एग्जाम। और जो स्टूडेंट में कई संशय चल रहा था कि ये पटवारी भर्ती परीक्षा है वो 12th पास होगी या ग्रेजुएशन, लगभग अब फिक्स हो गया है कि ये पटवारी भर्ती परीक्षा है। इसमें जो ग्रेजुएशन जिस स्टूडेंट के कंप्लीट है वही इस पटवारी भर्ती परीक्षा को दे सकता है, या जिस स्टूडेंट का जो ग्रेजुएशन का अंतिम वर्ष है या 3रा साल है उसके वो अंतिम वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं तो वो स्टूडेंट इस भर्ती परीक्षा को दे सकते हैं, क्योंकि लगभग जुलाई के महीने में इनका पटवारी का एग्जाम भी लेट होगा और जुलाई तक रिजल्ट भी आ जाएगा 3rd ईयर का, तो वो स्टूडेंट शामिल हो सकते हैं। तो पहली बात तो ये जो पटवारी भर्ती परीक्षा कराई जाएगी इसमें केवल एक एग्जाम होगा। सेकेंड बात, इस पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए ग्रेजुएशन निश्चित है, अर्थात 12th पास वाले स्टूडेंट इसको नहीं दे सकते। उसके बाद इस पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए 3 घंटे का टाइम मिलेगा, 3 घंटे का टाइम मिलेगा, और इस पटवारी भर्ती परीक्षा में माना जा रहा है जो सिलेबस है लगभग फिक्स है, लेकिन और भी नवीनतम सिलेबस में कुछ
थोड़ा सा इधर टॉपिक कर सकते हैं। इस बार जो सिलेबस आया है उसमें मैथमेटिक्स के कुछ टॉपिक हटाए गए हैं तथा इंग्लिश को शामिल किया गया है। लगभग माना जा रहा है कि इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन कुल आएंगे और 3 घंटे का टाइम लेगा, एक ही एग्जाम होगा और इसमें जो माइनस मार्किंग है वो 1/3 माना जा रहा है। माइनस मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग है 1/3 माना जा रहा है। अर्थात हम 3 क्वेश्चन गलत करेंगे तो 1 क्वेश्चन राइट किया गया वो कट जाएगा। तो अब बताता हूं मैं सिलेबस की इस पटवारी भर्ती परीक्षा 2019 का क्या सिलेबस है, कौन कौन से टॉपिक है। तो दोस्तों आपको एक बार फिर बता रहा हूं, जो 2019 पटवारी भर्ती परीक्षा है उसका रास्ता लगभग साफ हो गया है और इसी महीने दिसंबर में लगभग फॉर्म भरवाए जा सकते हैं। जो आरक्षण संबंधी पिछड़ा हुआ जो आरक्षण है उस आरक्षण के 10% देने के कारण उसकी जो पद है उनके पदों के वर्गीकरण के कारण यह भर्ती परीक्षा अटकी थी। और सेकंड जो पिछले साल RSCIT जिनके थी और उससे उस डिग्री जिनके प्राप्त थी उनको शामिल नहीं किया गया था, उसके कारण 300 से ज्यादा रिट लगी, फिर वो भर्ती राजस्थान हाईकोर्ट में गई थी, उसके कारण लंबा प्रोसेस हुआ था और 2 एग्जाम हुए थे जिसके कारण काफी प्रॉब्लम आई थी। इसी कारण इस भर्ती परीक्षा में 1 एग्जाम किया गया है और इसका नवीनतम लगभग सिलेबस आ गया है। जो सिलेबस आपके सामने मैं बता रहा हूँ लगभग फिक्स है और 1-2 टॉपिक इधर उधर हो सकते हैं लेकिन मुश्किल है होना। तो इस बार 1 एग्जाम होगा और 3 घंटे का टाइम मिलेगा और 1/3 माइनस मार्किंग होगी और कुल 100 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के। अब तक तो ये माना जा रहा है कि 100 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के। इसमें इंग्लिश के कुछ टॉपिक को शामिल किया गया है, मैथमेटिक्स के कुछ टॉपिक को हटा दिया गया है। लगभग 3835 पदों की भर्ती मानी जा रही है लेकिन पदों में और वृद्धि हो सकती है, कमी मुश्किल है, वृद्धि हो सकती है इनके पदों में। तो बताता हूँ मैं आपको सिलेबस कि सिलेबस में इस बार सिलेबस बहुत ही छोटा है, पिछले साल बहुत ही विस्तृत बड़ा सिलेबस था, उसकी तैयारी करने में भी बहुत टाइम लगता था। तो इस बार सब्जेक्ट और पर्सन, पहला है जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी और जियोग्राफी ऑफ इंडिया, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर के कुल 80 क्वेश्चन आएंगे, 25 क्वेश्चन आएंगे इन टॉपिक के। सेकंड राजस्थान जीके में राजस्थान का जियोग्राफी है, राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर है, राजस्थान की हिस्ट्री है, कुल मिलाकर तीनों मिलाकर कुल 20 अंक के आपके क्वेश्चन आएंगे। थर्ड जनरल हिंदी एंड इंग्लिश, पिछली बार इंग्लिश नहीं थी लेकिन इस बार इंग्लिश को भी शामिल किया गया है तो कुल 50 अंक की। और फॉर बेसिक न्यूमेरिकल एफिशिएंसी और रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी कुल 30 नंबर की आएगी। तो ये टॉपिक बहुत ही मोस्ट है, रीजनिंग का टॉपिक आपको बड़े तरीके से तैयार करना होगा क्योंकि मैथमेटिक्स के कई टॉपिक हटा दिए गए हैं तो रीजनिंग पर आपको जोर देना होगा यदि कोई मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है तो। फॉर बेसिक कंप्यूटर कुल 10 नंबर का आएगा, कुल मिलाकर 10 और 30 40 और 40 80 प्लस 20 कुल 100 नंबर का पेपर होगा। तो इस प्रकार पटवारी भर्ती परीक्षा का न्यूनतम सिलेबस है और भी नई नई लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए और भी राजस्थान जी के JNU जोधपुर से संबंधित या कोई आज की यूनिवर्सिटी या कोई भी आपको न्यूज प्राप्त करनी है तो जसनाथ क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लिंक को शेयर कीजिए। धन्यवाद।